बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मैट्रिक अड्डा यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट हैं, जो 2023 में होने वाला एग्जाम है उसमें एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए NCERT यानी BTC का आप सभी के लिए एक्सरसाइज 2.3 का सीरीज शुरू किए हैं मैथ का, जो कि एक एक क्वेश्चन का सीरीज है। तो आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं, एक दो क्वेश्चन बना चुके हैं। आप सभी को नहीं पढ़े आप सभी तो जाकर के देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट वीडियो में। और देखते हैं आज का 3 नंबर क्वेश्चन है PX x4 - 5x + 6 और GX है 2 - x2। इसको हमको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से PX में GX से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले GX को थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए -x2, यहाँ +2 है तो +2, इसके बाद भाग करेंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन x4 - 5x + 6, इसमें भाग करेंगे -x2 + 2 से। तो यहाँ हम देखते हैं, बहुत आसान से समझते हैं, आपको समझाते हैं कि x2 और यहाँ x4, यानी x का पावर यहाँ 2 है और x का पावर यहाँ पे 4 है। तो x के पावर क्या चीज इसमें गुना करेंगे कि x के पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल से देखते हैं, अगर x का पावर सिर्फ दिया हो तो हम लोग उतना जोड़ देते हैं जितना कम रहता है तो आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ x 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें x 2 जोड़ देंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x का पावर गुना करेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ है, तो -x2, तो यहाँ हो जाएगा x4 और प्लस माइनस -2x2। उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे कटेगा, प्लस करेंगे तो 2x2 - 5x + 6। बाकी सब उस तरीके से उतारते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ 2x2 है, यहाँ x2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या चीज से लगाएंगे ताकि माइनस आएगा। तो फिर यहाँ माइनस लगाएंगे तो -2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस -4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा प्लस करेंगे माइनस करेंगे कटेगा, -5x और +10, तो यहाँ पे भागफल -x2 - 2 और शेषफल -5x + 10 हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी को देखने को मिलता रहे।